हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं रिमशा डिज़ाइनर की तरफ से शाहना परवीन आपका स्वागत करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आज अपनी वीडियो में हम आपको ये बहुत ही प्यारी सी टू कलर में हाफ बाजू की जैकेट बताने वाले हैं। ये 10 से 12 साल की लड़की के या लड़के के आराम से आ जाएगी। आप इसे लड़के या लड़की की दोनों की बना सकते हैं। देखिए, देखने में ये बहुत ही प्यारी लग रही है और बनाने में ये बहुत आसान है। देखिए, इसको जो हमने बटन पट्टी पे ये किनार की बनाई है ना राव, ये हमने बिल्कुल अलग ही डिज़ाइन से बनाई है। हम पूरी इस वीडियो में आपको ये स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। पूरी वीडियो देखें, जब ही आपको समझ आएगा कि ये हमने जैकेट किस तरह से डिज़ाइन की है और इसका कलर कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है, ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए, हम इस जर्सी को बनाना आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा बनाया हुआ ये जैकेट आपको कैसा लगा। देखिए, इसमें हमने नीचे बॉर्डर भी बनाया है और इसमें हमने बाजू में भी बॉर्डर बनाया और पूरी हमने एक ही डिज़ाइन से इसे बनाया है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको बना के ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करें। तो पहले आप लाइक करें, कमेंट करें और फिर पूरा वीडियो को देखें और स्टेप बाय स्टेप समझें। देखिए, इसको हमने दो कलर में बनाया है, लेकिन ब्लैक कलर जो है ना, वो कैमरे में इतना अच्छा कैप्चर नहीं होता है, तो मैंने डिज़ाइन जो है इसे वाइट और ग्रीन कलर से बताया है। तो डिज़ाइन सिर्फ मैंने इसे बताया है और स्टेप बाय स्टेप मैंने इसे पूरे बनाने आपको बताई है। तो देखिए, पहले हम नीचे से शुरुआत करेंगे। तो पहले हम इसमें चैन लेंगे। मैंने जो ये अपनी जैकेट में चैने ली हैं, तो वो मैंने 120 चैने ली हैं। यहाँ पे जो हमने इसमें चैने ली हैं, वो 120 चैने ली हैं, क्योंकि मेरा 3-ply का ऊन है। अगर आपका पतला ऊन है तो आप इसमें 140 चैने भी ले सकती हैं। तो पहले हम यहाँ पे चैने बनाएंगे। तो नमूने के तौर पे मैंने आपको ये बताया, तो हम यहाँ पे इसमें 30 चैने बना लेंगे। आप जैकेट बना रहे हैं तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसमें चैने लें। अगर आप 10 से 12 साल के बच्चे का बना रही हैं, तो अगर आपका 3-ply का, जैसे मेरा ऊन है, इस तरह का ऊन है, तो आप 120 चैने लेके इस डिज़ाइन को डालना शुरू कर सकती हैं। आपके बच्चे के बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो देखिए, पहले हमने यहाँ पे 30 चैने बनाने के बाद 3 चैने एक्स्ट्रा बनाई और सभी चैनों में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए, इस तरह से जैसे हम बना रहे हैं, सभी चैनों में एक एक बार डबल क्रोशिया बना के इसे कंप्लीट कर लेना है। देखिए, आप जब जैकेट की शुरुआत करेंगी तो आप शुरुआत में भी इसी तरह डबल क्रोशिया की रॉ बना के रेडी कर लें। 120 या 110 चैने आप जो भी ले रही हैं ना, सब में आप इसी तरह से डबल क्रोशिया की रॉ बना के कंप्लीट कर लें। देखिए, अब हमने ये पूरी रॉ बना के इसमें कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे हम इसमें धागा ज्वाइंट करेंगे। देखिए, ब्लैक रॉ की बनाने के बाद अब हमने यहाँ पे दूसरे कलर का ऊन ज्वाइंट करा है। तो दूसरे कलर का ऊन यहाँ पे देखिए, दोनों फंदे हम रहन देंगे और इस तरह से हम इसमें ऊन को ज्वाइंट करेंगे। देखिए, यहाँ से अब हम ऊन को अच्छी तरह स्टिच कर देंगे। और देखिए, यहाँ पे हमने 2-3 चैने बनाई और एक चैन और बनाएंगे, तो 4 चैने हो गई हमारी। अब देखिए, नीचे से हम इसमें एक दो चैन छोड़ेंगे, तीसरी चैन में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर देखिए, इसी चैन में डाल के एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, फिर इसी में डालेंगे एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, तो 3 हो गई हमारी। तो अब देखिए, नीचे से हम 3 छोड़ेंगे और एक चैन ऊपर हम लेंगे, 3 छोड़ के चौथी में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी में डालेंगे एक और बनाएंगे, फिर इसी में डालेंगे एक और बनाएंगे। तो एक ही चैन में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। एक चैन लेंगे, फिर 3 चैन नीचे से छोड़ेंगे और इस रो को इसी तरह हम कंप्लीट करेंगे। देखिए, जैसे हम ये बनाते आ रहे हैं ना, इसी तरह हमें पूरा बनाते हुए इस रो को यहाँ तक कंप्लीट करना है। तो देखिए, पूरी रो हमारी कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट होने के बाद अब देखिए, यहाँ लास्ट में हम आ गए हैं। तो एक चैन लेंगे पहले हम,
देखिए इसमें हम दो चैन छोड़ेंगे, जो तीसरी वाली चैन है ना इसमें डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए जैसे हमने शुरू में बनाई थी ना, दो चैने छोड़ के और चार चैने ली थी हमने, इसी तरह एक चैन लेंगे और एक डबल क्रोशिया बना देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम तीन चैने बनाएंगे, फिर अपने वर्क को हम टर्न करेंगे। तो आप जो बना रहे हैं ना इसमें भी आपको सेम इसी तरह बनाना है। ये मैंने छोटा सा नमूना बना के आपको बताया है, बड़े जो मैंने जैकेट बनाई है उसमें ना हम मैंने सेम इसी तरह बनाया है। तो देखिए पहले हम अब हम एक डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए नेक्स्ट वाले में जाएंगे, अब हमें यहाँ पे एक चैन जो हम ले रहे थे ना वो नहीं लेनी है, जैसे यहाँ पे हमने ली थी अब यहाँ नहीं लेंगे। आप चाहे तो ले सकते हैं, वैसे मैंने बनाई नहीं है। देखिए इस तरह बनाएंगे और देखिए जो हमारी तीन डबल क्रोशिया नीचे हमने छोड़ी थी ना उसमें हम जो बीच वाली डबल क्रोशिया है उसमें डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर देखिए इस जाली के स्पेस में डाल के एक बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए नेक्स्ट वाले में भी हम बनाएंगे, तो पहले एक हम जाली में बनाएंगे जो हमारे एक चैन का स्पेस है इसमें बनाएंगे। फिर देखिए जो हमारी तीन डबल क्रोशिया छोड़ी थी इसमें हमने बीच वाली में डालेंगे हम इस तरह से इसकी चैन पे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए हम इसी जाली में डाल के एक और बनाएंगे। तो इसी तरह से अब हमें इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेना है आगे तक। तो देखिए जो मैंने डिज़ाइन बनाया है ये सेम डिज़ाइन आपको मैं बना के बता रही हूँ। मैंने सिर्फ ये छोटा नमूना इसलिए बनाया क्योंकि ब्लैक कलर का जो ऊन होता है ना वो शुरू में ना बताने में थोड़ा समझ नहीं आता है, इसीलिए मैंने आपको इन दो कलर से ये डिज़ाइन समझाया है। आगे की जो भी इसमें मैंने बनाया है वो मैं इसी जैकेट में आपको बना के बताऊंगी। तो देखिए पूरा डिज़ाइन मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद अब देखिए यहाँ पे तीन चैने हमने बना ली हैं। तीन चैने बनाने के बाद एक चैन और बनाएंगे, तो चार हो गई हमारी। अब देखिए जो हमारे ये वाले जो है ना जाली, देखिए यहाँ पे अब हम यहाँ पे डालेंगे और अपना डिज़ाइन बनाएंगे इस तरह से डालेंगे। अब देखिए नीचे मैंने तीन डबल क्रोशिया बनाई थी ना, तो जो बीच वाली डबल क्रोशिया है ना, देखिए बीच वाली जो हमारी डबल क्रोशिया एक इधर से छोड़ेंगे, बीच वाली में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए बीच वाली में हमने इसकी चैन में डाला एक डबल क्रोशिया बनाई, अब हम जाली में एक बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से अब देखिए नेक्स्ट में डालेंगे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए जो नीचे तीन डबल क्रोशिया बनी हुई है ना हमारी, इसकी जो बीच वाली डबल क्रोशिया है इसकी चैन में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। आई होप आपको डिज़ाइन समझ आ रहा होगा। आप जितना आगे बनाएंगे वो डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है लेकिन बनाने के बाद ही बहुत ही प्यारा लगता है। आप देख सकती हैं मेरी जैकेट में डिज़ाइन बनने में बहुत प्यारा लग रहा है। ब्लैक और ग्रीन कलर का जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत अच्छा लग रहा है। वाइट और ग्रीन का इतना अच्छा नहीं आ रहा है लेकिन ब्लैक और ग्रीन में बहुत ही अच्छा ये खिल के आया है। जब आप इसे बनाएंगे ना तो आपको समझ आएगा और देखने में भी बहुत ही प्यारा लगेगा, क्योंकि कुछ डिज़ाइन ना कलर के हिसाब से भी बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो इसी तरह राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है, हमारा डिज़ाइन बनना स्टार्ट हो गया है। अब देखिए अब हम ये लास्ट में बनाएंगे, तो अब हम लास्ट में इसमें यहाँ पे पहले एक चैन ले लेंगे, फिर यहाँ पे हम इसकी थर्ड वाली चैन में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए यहाँ हमने चार चैने ली थी, यहाँ एक डबल क्रोशिया और एक चैन लेनी है आपको। अब देखिए तीन चैने बनाएंगे बस, अब हम यहाँ से अपना डिज़ाइन डालना फिर कंटिन्यू करेंगे। देखिए यहाँ से पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे जाली में, फिर एक बनाएंगे हम ये जो तीन डबल क्रोशिया है ना इसकी सेकंड वाली डबल क्रोशिया की चैन पे इस तरह से। फिर देखिए अब हमें इस जाली में ही दोबारा रिपीट में एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अब देखिए एक यहाँ पे भी हम डिज़ाइन बनाएंगे। अब देखिए नीचे वाली डबल क्रोशिया जो हमारी दूसरी है ना, मतलब बीच वाली डबल क्रोशिया, उसकी चैन पे बनाएंगे और एक इसी जाली में फिर रिपीट से बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए आप ऊपर तक इस डिज़ाइन को लेके जाएं और बहुत आसानी से आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं और बहुत ही प्यारा लगेगा।
और ये ज़्यादा इसमें जाली की झेरी भी नहीं होती है और मोटा ही रहता है बनने पे। तो आप इसको एक बार बना कर ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए अब हम इस राउंड को इसी तरह कंप्लीट करते हैं और थोड़ा बनाने के बाद फिर आगे आपको दिखाते हैं कि हमें इसमें मुड्ढे, गला और बॉर्डर किस तरह बनाना है। तो देखिए ये मैंने डिज़ाइन इतना बना लिया है, लेकिन ब्लैक और ग्रीन के मुकाबले में ना ये वाइट और ग्रीन ना इतना अच्छा नहीं लग रहा है, आप ब्लैक और ग्रीन ही ज़्यादा बनाएं। तो देखिए ये मेरा डिज़ाइन इतना मैंने आपको सिर्फ नमूने के तौर पर बना के दिखाया है। अब जितना भी मुझे आगे बनाना है ना वो मैं इस जैकेट में ही आपको बताऊंगी कि आगे मैंने मुड्ढे किस तरह बनाए हैं, गला किस तरह बनाया है, बॉर्डर किस तरह बनाया है, बस इसी तरह मैं इस वाली जैकेट में आपको बताऊंगी। तो देखिए ये मैंने जैकेट का ना इतना पार्ट बना के रेडी कर लिया है। देखिए इसे मैंने 14.5 इंच तकरीबन 15 इंच तक बना लिया है। तो आप अगर इसे लंबी बनाना चाहते हैं तो थोड़ा ही लंबाई इसमें और बना लें। देखिए पूरा मैंने इसे, और अगर हम दूसरी साइड से नापेंगे तो 38 सेंटीमीटर तक मैंने इसे बनाया है। तो देखिए मैंने पूरा एक ही बार में इसको स्टिच करा है। ये जो धागा बांधा है ना ये 20 सेंटर का है, यहाँ से यहाँ तक हम इसमें दोनों पार्ट अलग अलग बनाएंगे। देखिए ये फ्रंट और बैक का है, तो 9 डिज़ाइन मैंने आगे लिए हैं, टोटल मेरे 36 डिज़ाइन बैठे हैं। तो मैंने इसे 3 धागों में बांटा है, तो 9 इस साइड में लिए मैंने, 9 इस साइड में लिए हैं और 18 डिज़ाइन ना मैंने पीछे की साइड में लिए हैं। तो 9 चौक 36 होते हैं, तो 36 डिज़ाइन मैंने बनाए हैं इसमें और 36 डिज़ाइन को मैंने 3 जगह बांटा है। तो बीच में मैंने जो बैक साइड उसमें 18 लिए हैं और फ्रंट पे मैंने 9 डिज़ाइन लिए हैं। अब देखिए यहाँ से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। पहले देखिए जैसे मैंने आपको बताया है इसी तरह हम इस डिज़ाइन को बनाते हुए आएंगे। देखिए यहाँ पे बनाएंगे पहले, देखिए पहले हम डिज़ाइन यहाँ बनाएंगे। तो पहले एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर देखिए इसमें हम बीच वाले डबल क्रोशिया पे बनाएंगे। जैसे हम बनाते आ रहे हैं इसी तरह से हमें इस डिज़ाइन को बना के जहाँ तक हमने बांधा है ना धागा बांधा हुआ है वहाँ तक हम लेके जाएंगे। तो अब देखिए इसमें भी हम बनाएंगे इसी तरह डिज़ाइन, फिर बीच वाली डबल क्रोशिया में डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए इसी जाली के स्पेस में देखिए आप फिंगर की मदद से इस तरह से करके एक डबल क्रोशिया यहाँ भी बनाएं। तो देखिए यहाँ बनाया हमने और देखिए यहाँ तक हम बना के लेके आएंगे। यहाँ हमने धागा बांधा है तो यहाँ तक लेके आएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम एक डिज़ाइन और बनाएंगे इस तरह से। देखिए इस तरह बनाने के बाद अब हम इससे आगे नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ से हम मुड्ढा कम करेंगे। तो एक डिज़ाइन हमने ना मुड्ढे में कम कर दिया है। अब देखिए ऊन को ज्वाइंट करने के बाद अब देखिए इसमें हम रिपीट से डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ से ऊन को ज्वाइंट करने के बाद जैसे हम 4 चैने बना के आगे डिज़ाइन बनाते हैं ना, सेम इसी तरह हमें बनाना है। अब देखिए यहाँ भी हम डिज़ाइन बनाएंगे, अपना पूरा कंप्लीट बनाएंगे और यहाँ तक बना के कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हमने लास्ट तक, देखिए यहाँ से शुरुआत करी थी, यहाँ पे हमने लास्ट करा है इसमें। देखिए हमारा गले का साइड है। अब देखिए इससे आगे हम बनाएंगे तो यहाँ पे फिर हम 4 चैने बनाएंगे और अपने वर्क को जिस तरह से हम बना रहे हैं ना इसी तरह से बनाते हुए हम जहाँ तक हमने मुड्ढा कम करा है वहाँ तक लेके जाएंगे। अभी हमने गला घटाना स्टार्ट नहीं करा है, इस रो के बाद हम गला भी कम करना आपको बताएंगे कि आपको गला किस तरह से घटाना है। तो देखिए यहाँ तक हम बना के दिखाते हैं। देखिए लास्ट में आ गए हम, देखिए ये हमारा मुड्ढे का जॉइंट है, यहाँ तक आ गए हैं। तो यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर वही जैसे हम डिज़ाइन बना रहे हैं ना सेम हम इसी तरह से यहाँ पे अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। देखिए इस चैन को इस तरह से निकाल के और यहाँ पे भी हम एक डिज़ाइन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया हम इस चैन पे भी बनाएंगे इस तरह से। तो देखिए ये हमारा इस साइड में मुड्ढा है ना, तो अब हमें इस साइड कुछ नहीं घटाना, ऊन को ज्वाइंट करेंगे, दूसरे कलर के ऊन को ज्वाइंट करेंगे और 4 चैने बनाएंगे।
अब देखिए, अब हम अपने गले की साइड में जाएंगे, तो पहले हम जितनी हमारे डिज़ाइन है ना, सबको हम सेम तरीके से बना लेंगे और अपने गले की तरफ जाएंगे। देखिए, सब में हम डिज़ाइन बनाएंगे पहले, क्योंकि मुट्ठी में बस हमें एक ही डिज़ाइन कम करना है, उसके बाद कुछ भी कम नहीं करना है। यहाँ तक आएंगे, देखिए यहाँ तक हम आ गए हैं। देखिए इस तरह बनाते हुए हम यहाँ तक आ गए। अब हम यहाँ से गला घटाना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें, देखिए यहाँ हम पहले हमने यहाँ पूरा डिज़ाइन बनाया था यहाँ पे, अब हम यहाँ पे पूरा डिज़ाइन नहीं बनाएंगे। तो इसकी जो ये थर्ड वाली चैन है ना, इसमें इस तरह से डालेंगे, ये इस तरह डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। खाली सिर्फ एक डबल क्रोशिया बनाना है, एक डिज़ाइन हमें यहाँ पे कम करना है। अब देखिए एक दो तीन और एक ये चार चैने बनाएंगे हम, और फिर अपने वर्क को टर्न करेंगे। तो अब पहले देखिए यहाँ पे हम, पहले हम यहाँ पे डिज़ाइन बना रहे थे, देख गले की साइड में हैं हम। अब यहाँ पे चार चैने बनाने के बाद यहाँ हमें काम नहीं करना है, इसमें बनाएंगे हम। तो एक बना ले, फिर यहाँ पे हम पूरा डिज़ाइन बनाएंगे, जिस तरह से हम डिज़ाइन बनाते आ रहे हैं सेम तरीके से हम यहाँ पे डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए अब हमने यहाँ से गला घटाना चालू करा है। तो देखिए यहाँ पे एक बनाया, यहाँ एक बनाया, इसी तरह से अब हमें पूरा डिज़ाइन बनाते हुए मुड्ढे तक जाना है। फिर हरे कलर का ऊन ज्वाइंट करेंगे और हम इस साइड में आएंगे, गले की साइड में आएंगे बिनाई करते हुए। जिस तरह से हम डिज़ाइन बना रहे थे ना, इसी तरह हम इस डिज़ाइन को बनाते रहेंगे। और अब हम इसमें मुड्ढी तक जाके फिर रिपीट में हम ग्रीन रो बना के और गले के तरफ आएंगे। देखिए अब हमने ग्रीन ऊन ज्वाइंट करा और पूरे यहाँ तक बनाते हुए हम, देखिए जहाँ गला घटा रहे हैं जिस तरफ, उस तरफ हम आ गए हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हम किस तरह से इसे बनाएंगे। तो एक डिज़ाइन हमें यहाँ कम करना है। तो देखिए एक डबल क्रोशिया लेंगे, सॉरी एक क्रोशिया पे बल लेंगे और इसकी थर्ड वाली चैन में हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। देखिए ये हमारा गला घटना यहाँ से चालू हो गया है। अब देखिए फिर अब हम यहाँ पे चार चैने बनाएंगे। चार चैने बनाने के बाद देखिए यहाँ नहीं बनाएंगे, अब हम नेक्स्ट वाले डिज़ाइन के बराबर में बनाएंगे डिज़ाइन। देखिए इस तरह से नेक्स्ट वाले डिज़ाइन का जो डिज़ाइन है ना, उसके बराबर में बनाना है इस तरह। देखिए यहाँ से हमने गला घटाना चालू करा, देखिए यहाँ तक हमने इस तरह बनाते हुए अब हम मुड्ढे तक जाएंगे और मुड्ढे पे फिर हम ब्लैक कलर का ऊन ज्वाइंट करके बनाते हुए, जिस तरह से बना रहे हैं हम अपना डिज़ाइन, इसी तरह कंटिन्यू बनाते हुए। देखिए अब हमारा गले का शेप बनना स्टार्ट हो गया है। अब देखिए यहाँ तक आएँगे, यहाँ से ब्लैक कलर की रॉ बना के हम यहाँ तक आएँगे। देखिए यहाँ तक ब्लैक कलर की रॉ बना के हम गले की साइड में आ गए हैं। अब देखिए यहाँ हमने यहाँ से यहाँ तक गला घटाना घट गया है हमारा। अब देखिए यहाँ हमें ब्लैक कलर के बाद, देखिए इसको भी अभी हमें घटाना है, तो यहाँ पे अब हम जॉइंट लगाएंगे। देखिए थर्ड वाली चैन में डालेंगे और इसे इस तरह से जॉइंट करेंगे। तो देखिए अब हमारा इस तरह गला हमारा कम होता जा रहा है और बहुत ही अच्छे से और गुलाई से हमारा गला अच्छे से बनेगा। अब देखिए चार चैने बनाएंगे हम, फिर देखिए एक ये डिज़ाइन छोड़ेंगे, नेक्स्ट वाली डिज़ाइन की जो जाली है ना, उसमें हम अपना डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। देखिए ये हमारा यहाँ से यहाँ तक हम बनाएंगे, फिर ग्रीन कलर की रॉ बना के हम यहाँ तक लौट के आएंगे। देखिए ये हमने ग्रीन कलर का ऊन ज्वाइंट करा और गले की तरफ हम रिपीट में आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें एक किस तरह से बन घटाना है। देखिए अब हमारा यहाँ से मुड्ढा घटना बंद हो जाएगा, तो गला घटाना हम बंद कर देंगे। तो यहाँ पे एक पहले हम डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। देखिए हमारा गले का शेप बन गया है यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे एक दो तीन चैने ली हमने, और फिर रिपीट में देखिए अब हमें इसके बाद कोई भी फंदा नहीं घटाना है। अब देखिए जो हमने ये एक डबल क्रोशिया बनाई थी ना, अब हम इसी में बिनाई करेंगे। देखिए यहाँ से सेम इसी तरह बिनाई घटाई करेंगे। अगर आप ना बड़ा बना साइज़ बना रहे हैं तो इसमें एक दो रो और कम कर लें। देखिए इसी तरह अब एक यहाँ बनाएंगे। देखिए यहाँ बनाया हमने,
अब देखिए, जैसे हम डिज़ाइन बना रहे हैं ना, सेम हमें डिज़ाइन अब बनाते हुए इसे कंप्लीट करना है। देखिए, दो रो हमने बाहरी की बना ली, इसके बाद में हम दो ब्लैक कलर की बना लेंगे। दो ब्लैक कलर की बनाने के बाद हमारा ये गला और मुड्डा पूरा बन के रेडी हो जाएगा। देखिए, ये हमने बना ली है। अब देखिए, एक हम डबल क्रोशिया इस पे भी बनाएंगे, फिर रिपीट में डिज़ाइन बनाते हुए इसे हम कंप्लीट करेंगे। देखिए, हमने बना ली। अब सभी में हमें डिज़ाइन बनाना है। देखिए, अब हमारा गले का शेप कितने अच्छे से बन गया है। अब देखिए, यहाँ पे हम तीन चैने बनाएंगे और इसमें जैसे इसमें डिज़ाइन बनाया है, यहाँ बनाएंगे, इसमें भी डिज़ाइन बनाएंगे। जिस तरह से हम डिज़ाइन बना रहे हैं, सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे भी डिज़ाइन बनाएंगे, यहाँ भी बनाएंगे। देखिए, इसी तरह बनाते हुए इस रॉ को हम कंप्लीट करेंगे। देखिए, अब हमने ये रॉ कंप्लीट कर ली है। अब हमारा गला और मुड्ढा दोनों ही बन के बराबर रेडी हो गया है। देखिए, अब हम इसको ऊन को यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद अब देखिए, हम पहले आपको नाप के दिखाते हैं। तो 6 इंच तक हमारा मुड्ढा बन के रेडी हो गया है। देखिए, 6 इंच तक हमारा मुड्ढा बन गया है। अब हम इसमें आपको पीछे का बनाना बताएंगे कि पीछे से आपको किस तरह बनाना है। तो चलिए, पीछे से भी हम आपको थोड़ा बता देते हैं, ताकि आपको थोड़े से हिंट मिल जाए कि किस तरह से हमें ये पीछे का भी घटाना है। तो देखिए, पीछे में ना, हम पहले देखिए, यहाँ हमने धागा बांधा हुआ है। तो जहाँ हमने धागा बांधा हुआ है ना, उसके बराबर वाला जो डिज़ाइन है, देखिए ये, यहाँ से हम इस ऊन को ज्वाइंट करेंगे। ऊन को ज्वाइंट करने के बाद अब हम यहाँ पे चार चैने बनाएंगे, जैसे बनाते आ रहे हैं ना, चार चैने बनाएंगे। और नेक्स्ट वाले डिज़ाइन में जिस तरह से हमने डिज़ाइन बनाया है, इसी तरह डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए, यहाँ से अब हम इस वाली जाली में डालेंगे, और फिर इसमें जिस तरह हम डिज़ाइन बना रहे हैं, सेम इसी तरह हमें डिज़ाइन बनाते हुए और आगे तक जाना है। देखिए, इसी तरह बनाते हुए, देखिए यहाँ बनाया हमने, इसी तरह बनाते हुए हम यहाँ तक आएंगे, फिर आगे आपको दिखाएंगे। देखिए, ये हमने यहाँ तलक बना लिया है। अब देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए इसमें हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है, इस तरह से जैसे हमने शुरू में यहाँ पे चैन चार चैने बनाई थी ना, इसी तरह एक डबल क्रोशिया हमें यहाँ भी बनानी है। तो अब देखिए, यहाँ पे तीन चैने हमने ले ली हैं। तीन चैने लेने के बाद अपने वर्क को टर्न करेंगे और यहाँ से फिर अपना डिज़ाइन बनाना रिपीट में चालू करेंगे। बस अब हमें पीछे में कुछ भी नहीं घटाना, बस एक डिज़ाइन कम करके बिनाई करनी है और एक डिज़ाइन कम करके हमें इसे ज्वाइंट करना है। तो दोनों साइड से हमें बस एक एक डिज़ाइन कम कर लेना है, जहाँ पे हमने धागा बांधा है ना, इस तरह से बीच में धागा बांधने के बाद एक डिज़ाइन इधर से कम करेंगे, एक डिज़ाइन इधर से कम करेंगे। तो दोनों साइड से एक एक डिज़ाइन बस कम करना है हमें पीछे में, और कुछ नहीं करना है। बस सीधा हमें अपना डिज़ाइन कंटिन्यू बनाते हुए ऊपर तक लेके आना है। देखिए, इसी तरह हमें बनाते हुए, जैसे ये सीधा जा रहा है ना, सीधा हमें बनाते हुए इधर भी और इस साइड भी, दोनों साइड अब हमें इसी तरह बनाते हुए आगे तक लेके जाएंगे। और जहाँ तक जितना बड़ा हमने आगे का पल्ला बनाया ना, इतना ही बड़ा हम इसे बना लेंगे। तो चलिए, बना के दिखाते हैं। देखिए, हमने ये वाली रॉ भी कंप्लीट कर ली है। अब एक बार हम आपको यहाँ पे भी ज्वाइंट करना बता देते हैं। देखिए, एक डबल क्रोशिया, फिर देखिए तीसरी वाली चैन में एक डबल क्रोशिया, फिर देखिए इस जाली में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर ये जो चैन चार चैन बनाए थे, इसकी थर्ड वाली चैन में भी एक डबल क्रोशिया बना देंगे। तो जैसे हम नीचे से डिज़ाइन बनाते आ रहे हैं, सेम डिज़ाइन बनाते हुए इसे हमें ऊपर तक लेके जाना है और इसे बना के रेडी कर लेना है। तो देखिए, पीछे का बनाना बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं घटाना है। भाई, इसी तरह बनाते हुए हम कंटिन्यू करेंगे और इसे यहाँ तक बना के कंप्लीट करेंगे। देखिए, अब हमने पीछे का भी पल्ला बना के रेडी कर लिया है। देखिए, हमारा एक साइड का हो गया है, ये हमारा पीछे का हो गया। देखिए, ये हमारा मुड्ढे का खुल गया है। अब देखिए, यहाँ से हम आपको दूसरा पार्ट बनाना बताएंगे कि इस तरफ से हमें मुड्ढे कैसे घटाने, वो सॉरी गला किस तरह घटाना है।
तो पहले देखिए यहाँ से हम ब्लैक ऊन ज्वाइंट करेंगे। ऊन ज्वाइंट करने के बाद इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद जो दो ग्रीन कलर की रो बनाई थी ना हमने, हम वो भी बना के कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह हमने कंप्लीट कर ली है। यहाँ से हमने गला घटाना स्टार्ट करा था। देखिए ये जो हमारी दो रो है ना, इसको बनाने के बाद हमने ब्लैक कलर की जो रो बनाई थी यहाँ से हमने गला घटाना स्टार्ट करा था। तो अब हम यहाँ से देखिए पहले ब्लैक कलर का ऊन ज्वाइंट करेंगे, इसमें यहाँ ब्लैक कलर का ऊन ज्वाइंट करेंगे और यहाँ तक आएंगे बना के। तो देखिए हम यहाँ तक आ गए हैं बना के। ये हमारा दूसरे साइड का पल्ला है गले का। तो देखिए देखिए यहाँ से हमने बनाना स्टार्ट करा था, यहाँ तक आए थे हम। तो इसी तरह अब हमने दूसरे पल्ले में भी यहाँ तक बना के तैयार करा है। अब देखिए यहाँ पे भी हम इसी तरह ज्वाइंट करेंगे, जैसे पहले वाले पल्ले में हमने ज्वाइंट करा था ना, इसी तरह ज्वाइंट करेंगे। देखिए थर्ड वाली चैन जो है ना, इसी में हमें इसे ज्वाइंट करना है इस तरह से। देखिए घट गया ना हमारे यहाँ पे। इसी तरह हमने इधर बनाया था और इसी तरह हमने इधर भी बनाया है। अब देखिए यहाँ पे हम फिर चार चैनें लेंगे। देखिए जो हमने यहाँ से दूसरी बनाई थी ना चैन, यहाँ पे बनाई थी, अब इसी तरह हम यहाँ पे चार चैनें बनाएंगे और देखिए नेक्स्ट वाले डिज़ाइन में डालेंगे। देखिए इसमें भी हमने यहाँ चैन बना के यहाँ बनाया था, इस डिज़ाइन में नहीं बनाया था। इसी तरह नेक्स्ट वाले डिज़ाइन में बनाएंगे हम दोनों पल्ले साथ में। आपको रख के इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपके समझ में जो सही आए और आप सही से इसे बना सकें। तो देखिए अब यहाँ पे हम पूरा डिज़ाइन कंप्लीट करते हुए, यहाँ तक कंप्लीट करते हुए यहाँ तक आएंगे। फिर यहाँ से ग्रीन कलर की रॉ ज्वाइंट करेंगे, यहाँ तक आएंगे। देखिए अब हमने यहाँ से कंप्लीट करा है ग्रीन कलर में ज्वाइंट करके। अब हम गले की साइड में आ गए हैं, जैसे इधर आए थे हम। देखिए इधर आए थे ना हम, इसी तरह हम इस वाले पल्ले में भी आ गए हैं। यहाँ तक बना लिया हमने, यहाँ तक दोनों में। अब हम इसमें आपको यहाँ पे भी जिस तरह से हमने इधर फंदा कम करा था ना, इसी तरह आपको इसमें भी फंदा कम करना है। देखिए यहाँ पे भी हम थर्ड वाली चैन में इसी तरह से डालेंगे, डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए एक हमारा यहाँ पे भी कम हो गया। देखिए इसी तरह हमने इधर भी कम करा था। देखिए यहाँ पे कम करा था ना हमने, यहाँ से यहाँ तक ज्वाइंट करा था। अब देखिए यहाँ पे फिर चार चैनें बनाएंगे। चार चैनें बनाने के बाद अब देखिए नेक्स्ट वाले डिज़ाइन में डालेंगे हम इसमें, और फिर अपना डिज़ाइन रिपीट करेंगे। जैसे डिज़ाइन बना रहे हैं ना, पूरा डिज़ाइन हम इसी तरह बना के इसे कंप्लीट करेंगे। देखिए इसी तरह बना के हम इसे कंप्लीट करेंगे। फिर ब्लैक कलर की ऊन को ज्वाइंट करेंगे और डिज़ाइन तक गले तक आएंगे। देखिए यहाँ तक बनाएंगे, फिर हम गले तक आएंगे। देखिए ये वाला जो हमने ब्लैक कलर का ऊन ज्वाइंट करने के बाद रॉ बनाई थी ना, फिर यहाँ तक हम बना के दिखाते हैं आपको किस तरह से अब हमें इधर भी घटाना है। तो देखिए ब्लैक कलर का ऊन ज्वाइंट कर लिया है हमने। तो देखिए ब्लैक कलर का ऊन ज्वाइंट करके हमने यहाँ तक बना लिया है। अब यहाँ तक बनाने के बाद अब देखिए यहाँ पे हम इसकी थर्ड वाली चैन में एक डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए बन गया हमारा, यहाँ पे भी कम हो गया हमारा एक डिज़ाइन। अब फिर चार चैनें बनाएंगे हम। देखिए चार चैनें बना के अब हम नेक्स्ट वाले डिज़ाइन में बिनाई करेंगे, इसमें नहीं करेंगे, इसमें करेंगे। जब एक पल्ला आप बना लेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा, आप दूसरी पल्ला आसानी से आ सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको दोनों पल्ले बनाने बताए कि दोनों तरफ किस तरह से फंदे घटते हैं गले के। देखिए इस तरह हमने यहाँ पे हमारा कम हो गया है। अब हम देखिए ये हमारा ये वाली रॉ कंप्लीट करेंगे। इसके बाद ये दो कलर की रॉ बनाएंगे जैसे बनाई थी। फिर ये रॉ बनाने के बाद हम दो ये ब्लैक कलर की रॉ बना के कंप्लीट करके मुड्ढा अपना कंप्लीट करेंगे। देखिए दोनों मुड्ढे हमने बना के, यानी दोनों गले बना के हमने इसे कंप्लीट कर लिए हैं और दोनों हमारे देखिए बराबर हमारे शेप में आ गए हैं। अब हम इनको इस तरह रखेंगे दोनों को, और यहाँ पे हम सिलाई से या आप क्रोशिया की मदद से इसे सिल सकते हैं। तो देखिए दो जो हमारे ये उल्टा है ना, हम ऊपर की साइड रखेंगे और दोनों सीधे हम अंदर की साइड रखेंगे, और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। और नीचे फिर हम आपको इसमें बॉर्डर बनाना और बटन पट्टी बनाना बताएंगे। तो देखिए हमने इसमें क्रोशिया की मदद से ही हमने इसे सिल लिया है। आप चाहे तो सुई से भी सिल सकते हैं। तो दोनों सिलने के बाद अब हम इसमें
नीचे से देखिए जो हमारा फ्रंट है ना नीचे का सीधे खत के पल्ले से यानी राइट साइड से हम इसमें ऊन को पहले हम ज्वाइंट करेंगे। देखिए ऊन को ज्वाइंट करने के बाद जो हमारी डबल क्रोशिया की रो है ना इसी में जो हमारी फर्स्ट वाली चैन वहीं से ज्वाइंट करेंगे। और देखिए डबल क्रोशिया की जो रो है ना इसमें हमें जो डबल क्रोशिया है इस पर दो बार बनानी है, एक ज्वाइंट पे बनाएंगे हम, फिर जो दो ये डबल क्रोशिया है ना इस पर बनाएंगे। अगर आपकी बटन पट्टी में झोल आ रहा है तो आप डबल क्रोशिया वाली में बना सकते हैं दो दो, ज्वाइंट में ना बनाएं, जो ज्वाइंट है ना हमारा उस पर ना बनाकर दो दो डबल क्रोशिया पे ही बना सकते हैं। देखिए इस तरह से हम बनाते हुए आगे तक जाएंगे, दो दो जो डबल क्रोशिया हमारी दिख रही है ना इन पे ही हम दो दो बार बनाएंगे और एक ज्वाइंट पे बनाएंगे। आप चाहे तो ज्वाइंट पे ना बना के डबल क्रोशिया पे ही दो दो सिंगल क्रोशिया बना सकते हैं। अगर आपकी बटन पट्टी में झोल आ रहा है ना तो आप दो दो डबल क्रोशिया में बनाएं, ज्वाइंट पे ना बनाएं। तो देखिए इसी तरह अब हम आगे तक बना के इसमें जाएंगे। देखिए सभी में बनाना है, हमने सब में बनाई है। तो इसी तरह बनाते हुए देखिए ये सभी में यहाँ गला जहाँ से घटाया वहाँ भी पीछे भी आगे भी सब में बनाते हुए हमें देखिए यहाँ तक बनाते हुए सब में बनाते हुए हमें यहाँ तक बना के लेके आना है। जिस तरह हम बना रहे हैं इसी तरह बनाते हुए हमें पूरे में बना लेना है। देखिए अब हमने ये पूरी रॉ बना के कंप्लीट कर ली है। देखिए सभी में हमने बना लिया है, अब इसी तरह हमें इसमें बनाना है। देखिए सब में हमने बनाया, गले में भी आगे भी पीछे भी सब में हमने इसे बनाते हुए पूरी रॉ को हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब हम ये लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पे अब हमें किस तरह से ये बिनाई करनी है ये हम आपको बताएंगे कि ये नीचे का बॉर्डर किस तरह बनाना है। तो चलिए यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जहाँ तक हमारी ये सिंगल क्रोशिया की रॉ कम्प्लीट हुई है ना, यहाँ से अब हम एक चैन ले लेंगे और देखिए इसी में जहाँ पे हमारी सिंगल क्रोशिया की रो कंप्लीट हुई है यहीं डाल के एक और बनाएंगे। अब देखिए जो हमारी एक चैन लेने के बाद जो हमारी फर्स्ट डबल क्रोशिया है ना इसे हम आगे से उठा के फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर देखिए जो हमारी दूसरी डबल क्रोशिया है उसे बैक पोस्ट, एक को फ्रंट पोस्ट बनाना हमें आगे से उठा के और एक को हमें बैक पोस्ट बनाना है पीछे से उठा के। इस तरह से देखिए ये हमारी देखिए जिस तरह से हम ये बना रहे हैं ना फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट, जब हम आगे की बटन पट्टी बनाएंगे ना जो हम डबल क्रोशिया की रो बनाएंगे उस पर भी हम इसी तरह सेम बना लेंगे। देखिए इसी तरह हमें फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट बनाते हुए और यहाँ तक आना है। देखिए यहाँ तक लेके आएंगे हम इसे, फिर आगे आपको दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ तक हम लेके आ गए हैं इसे फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट में। एक देखिए यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब देखिए जहाँ हमने ऊन ज्वाइन करा था यहाँ हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, फिर एक चैन बनाएंगे हम, फिर इसी जगह पे एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। और अब देखिए जो हमारी ये जितनी भी चैन नज़र आ रही ना सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम जहाँ तक हमने सिंगल क्रोशिया की रो बनाई थी ना वहाँ तक कंप्लीट करेंगे। और जितनी भी ये डबल क्रोशिया अब हम बना रहे हैं ना इसमें हम नेक्स्ट राउंड में जब आएंगे ना तो एक बैक पोस्ट और एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबी हो गई इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्किप कर दी है। देखिए अब ये हमने पूरी बना ली है। अब देखिए लास्ट में हम आ गए हैं। तो लास्ट में अब हमें एक डबल क्रोशिया यहाँ बनानी है, फिर एक चैन बनानी है जैसे हमने उसमें बनाई, एक डबल क्रोशिया बनानी है। तो अब देखिए यहाँ पर अब हम जो हमारी ये है यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो ये फंदा अब हमारा नीचे बॉर्डर का जिस तरह दिख रहा है ना, फ्रंट पोस्ट दिख रहा है तो फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट दिख रहा है तो बैक पोस्ट। अब जो ये डबल क्रोशिया की रो हमने भी बना के कंप्लीट करी है ना, ये वाली जो रो बना के कंप्लीट करी है आगे की पट्टी की, इसमें भी हम एक ही बार बस फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट बना लेंगे। और बनाने के बाद इसे हम कंप्लीट कर लेंगे जिस तरह से हमने आपको नीचे फंदे उठाने बताए थे बटन पट्टी के लिए, इसी तरह हम मुड्ढे के फंदे उठा लेंगे।
और एक डबल क्रोशे की रो बना लेंगे और एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट बना के देखिए अब हमने रेडी कर ली है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी बनाई हुई ये जैकेट कैसी लगी। तो चलिए अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। ये जो मैंने साइड में पट्टी बताई है ना, ये मैं आपको फिर कभी वीडियो में अपलोड करूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। जब तक के लिए आप इसे बना के रेडी करें। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।